लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से मजा मचो। आप लोग सब ठीक तो है ना, मैं इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की फिक्र है, सेफ ही रहिए। फ्रेंड्स मेरे पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए, उसमें गाइडेंस होती है, आप लोगों को बहुत मदद होगी उससे। स्किप मत किया कीजिए, आगे मत बढ़ाया कीजिए वीडियोस, पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब और बटन बेल बटन को दबाए बिना मत जाइएगा। ब्लैक मैजिक की मैं उपाय भी बताती हूँ, पर्सनल हीलिंग भी मैं करती हूँ आपके और आपके पर्सन की। पर्सनल हीलिंग क्या होती है, सातों चक्र एक्टिवेट करती हूँ मैं, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलार प्लेक्स चक्र, बेस चक्र, ये सात चक्र होते हैं जो इनएक्टिवेट होते हैं, या इनमें से कुछ इनएक्टिवेट होते हैं, या सारे के सारे ही इनएक्टिवेट होते हैं, तभी हमारे पर्सन हमें धोखा देते हैं, किसी और के पास जाते हैं, थर्ड पार्टी के पास जाते हैं तो फिर आने का नाम नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कि वो जाए ही ना, प्यार ही प्यार हो ज़िंदगी में हमारी, तो ये एक्टिवेट करती हूँ मैं, पर्सनल हीलिंग करती हूँ। 10 दिन की प्रोसेस होती है, ठीक है, एक्टिवेशन होती है इसकी, तो इससे बैलेंस हो जाती है सारी एनर्जीज, और वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाते हैं, धोखा नहीं देते हैं। क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी मैं एक्टिवेट और चार्ज करके भिजवाती हूँ आपके एड्रेस पे जो आप मुझे बताते हैं, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। लव के लिए रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एमराल्ड ब्रेसलेट, ग्रीन कलर का होता है जो, काली नज़र से बचने के लिए ब्लैक टर्मोलिन ब्रेसलेट, और कोई झूठ ना बोले हमारे सामने खड़ा होकर, हमें धोखा ना दे, इसका ज्ञान आता है टाइगर आई ब्रेसलेट पहनने से, चीते की नज़र जैसी नज़र हो जाती है हमारी, ठीक है। तो ये भी एक्टिवेट और चार्ज करके मैं देती हूँ, और टैरो कार्ड रीडिंग का बेसिक कोर्स मैं सिखाती हूँ, 78 कार्ड्स का होता है, उसे मैं सिखाती हूँ, समझाती हूँ, वो बेस होता है टैरो कार्ड्स का, तो वो मैं सिखाती हूँ, बेसिक कोर्स होता है, ठीक है। तो आप लोग हीलिंग कर सकते हैं लोगों की, पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं, टैरो कार्ड सिखा सकते हैं, यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, सेल्फ मेड बन सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं इससे, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस मैंने कम कर दिए हैं, आप लोग बुकिंग कराइए, और अगर मैं उस टाइम फ्री होंगी तो मैं एश्योरिटी दे रही हूँ कि मैं उसी टाइम आपकी बुकिंग कर दूँगी। जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज़ ऐसे ही मत देख के जाइए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी और वीडियोस बनाने की, लाइक सब्सक्राइब और बटन बेल बटन को दबा के जाइए, आपके गुड कर्मास सस्टेन होंगे, ठीक है। और जो मेरे 200 या 300 सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ मेरा बर्थडे आ रहा है 16 दिसंबर को, मुझे बर्थडे गिफ्ट दीजिए। मेरा दूसरा चैनल है, यही सेटअप है, एंजल सोल टैरो, ANGELSOULTARO T, को लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन दबा दीजिए, हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबा दीजिए, मुझे गाइडेंस मिलेगी, मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी, और मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के और भी वीडियोज़ बनाऊंगी, अभी तो 4-5 ही बनाए हैं। वो मेरा जो चैनल है एंजल सोल टैरो, वो कैंडल वैक्स रीडिंग से रीडिंग करती हूँ मैं, मुझे यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिलती इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पा रही, लेकिन हाँ अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बटन को दबाएंगे, तो मैं कैसे भी करके उसके और वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा और वीडियोज़ अच्छे अच्छे बनाने के लिए। तो मुझे बर्थडे गिफ्ट दीजिए, एंजल सोल टैरो मेरे सेकेंड चैनल कैंडल वैक्स रीडिंग के चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन दबा के मुझे एनकरेज कीजिए, थैंक यू। तो आज की वीडियो क्या है, आज की वीडियो है कि आपके पर्सन जो अब आने का विचार कर ही बैठे हैं, थर्ड पार्टी से आने का विचार कर ही बैठे हैं, तो वो आज किस एनर्जी में है, उनकी एनर्जी देख लेते हैं, क्या सोच रहे हैं वो, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी वो क्या सोच रहे हैं आज आपके बारे में, या क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट स्टेटस, करंट जो भी है, करंट सिचुएशन क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी से अलग होने की तो उन्होंने सोच ही ली है, तो अब क्या सोच रहे हैं, ठीक है,
कॉम्प्लेसेंसी। दो दो डेक मैंने मिलाए हैं आज, ओशो ज़ेन एंड विजडम ओरेकल। देखते हैं क्या क्या निकल के आता है सामने। अबेंडेंस ऐसे कर लेती हूँ शफल, आज दो दो डेक है ना, हाथ में नहीं आ रहे आज। ठीक है, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स इन अ वॉइस। क्या है उनकी करंट एनर्जी, उनकी मतलब मेरे व्यूअर्स के, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है अभी बताइए, क्या सोच क्या रहे हैं वो अभी। ग्रोथ, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, ये कार्ड निकला बोलने के बाद। गुड गुड गुड। फॉरगिवनेस, देखते हैं और कार्ड्स क्या निकलते हैं। थंडरबोल्ट, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। क्या एनर्जी में है अब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। दो कार्ड निकल गए क्या, नहीं, सौरो दुखी भी हैं अभी। किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, अब क्या सोच रहे हैं, अब क्या करना चाहते हैं, क्या है उनके मन में, क्या है उनके मन में, क्या चल रहा है उनके मन में। द मास्टर, ओके, क्या है उनके मन में। एडवेंचर, रिसेप्टिविटी, क्लिंगिंग टू द पास्ट, मिरेकल। और बॉटम ऑफ द डेक में है डबल सेलिब्रेशन। ओके, और देखते हैं उनकी एनर्जी ओरेकल से क्या एनर्जी है इस वक्त की। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। एनवी, ओहो, और फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल। ओके, आठ चक्र है ये तो। एंजल ऑफ बैलेंस, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, डिसीट, द सन, द गार्डन एंड द गेट, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। बॉटम में निकला है द थिंकिंग वुमेन। ये वाले कार्ड से भी देखना चाहूंगी मैं। कोडिपेंडेंसी, वो इस जो उधर भी था। ट्रस्ट, ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। Let your friends help you. अच्छा, stay optimistic about your love life. Getting to know each other. और bottom में है heart to heart conversation. Okay. तो अब reading शुरू करते हैं।
किस एनर्जी में है वो देखिए। उनको आशावादी रहने को कहा जा रहा है, आशावादी रहिए जिंदगी से, एक दूसरे को जानिए, आपको और आपके पर्सन, आपके पर्सन को बोला जा रहा है कि एक दूसरे को जानिए। दोबारा से वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे बात करूं आप लोगों से, क्योंकि भाई आप मूव ऑन भी तो कर सकते हैं ना, जब वो थर्ड पार्टी में गए। कंप्लेंट कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। कोडिपेंडेंसी आ गई है कि मैं तो अब रह ही नहीं सकता अपनी प्रियतमा के बिना, लेकिन वो कहीं मूव ऑन ना कर गई हो या रिजेक्ट ना कर दे मेरा प्यार, तो उन्हें फ्रेंड्स की हेल्प लेने को कहा जा रहा है। फ्रेंड्स से बात करके हेल्प लीजिए। ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं इसीलिए आप लोगों के साथ के क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि कहीं आप लोग मूव ऑन तो नहीं कर लिए, तो ट्रस्ट बीच में आ रहा है, विश्वास थोड़ा डगमगा रहा है कि कहीं आप तो नहीं चले गए, ठीक है। कंप्लेंट कर रहे हैं वो अपने आप से कि मैंने क्यों करा ये, थर्ड पार्टी के पास क्यों गया, हो सकता है वो चली गई हो किसी और के पास, एनवी हो रहे हैं, जल रहे हैं कि कोई दूसरा तो नहीं है आपके साथ, वही बात हो रही है अभी, ये बात आ रही है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मनी मन आपसे बातें कर रहे हैं, मतलब टेलीपैथी कर रहे हैं, मन में बातें कर रहे हैं आपसे, तुम मेरे को छोड़ के तो नहीं चली गई, मैं थर्ड पार्टी में चला गया तो। कंप्लेंट कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं कि कहीं तुम दूसरे के पास तो नहीं चली गई हो, कहीं तुम सेलिब्रेट तो नहीं कर रही हो किसी दूसरे के पास जाके, तो ऐसी उनकी फीलिंग आ रही है। वो ये सोच रहे हैं कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, तो वो बड़े दुखी हैं इस बात से, ठीक है। वो सोच रहे हैं कहीं तुम एडवेंचर तो नहीं कर रही हो उस आदमी के साथ, खूब पैसे वाला तो नहीं है वो आदमी जिसके साथ तुम गई हो, मतलब तुम गई भी नहीं हो, आप लोग गए भी नहीं हो मेरे व्यूअर्स, फिर भी वो यही सोच जा रहे हैं तुम चली गई हो, जल रहे हैं, कहीं सेलिब्रेट तो नहीं कर रही हो उसके साथ, खुश तो नहीं हो, वो पैसे वाला तो नहीं है कहीं तुम्हें खुशियां दे रहा है, एडवेंचर तो नहीं कर रहा है तुमसे, और दुख में है। उनकी अंतरात्मा कह रही है नहीं नहीं, मेरी प्रियतमा मेरे को भूल नहीं सकती है, मुझे माफ़ कर देगी वो, मैं जाऊँगा तो उसके पास ग्रोथ होगी हमारे रिश्ते की। अंदर उनकी अंतरात्मा तो ये कह रही है कि नहीं नहीं वो आप लोगों के लिए कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा उसके पास तो वो मुझे माफ़ कर देगी और मेरे को अपना लेगी, ग्रोथ होगी हमारे रिश्ते की। एक मन कह रहा है कि कहीं उसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, मेरा प्यार तो रिजेक्ट नहीं कर देगी, कोई पैसे वाला तो नहीं मिल गया, एडवेंचर कर रही हो उसके साथ, तो जल भी रहे हैं, पिछली बातें याद कर रहे हैं कि कितना प्यार करती थी तुम मेरे व्यूअर्स, उन्हें कितना प्यार करते थे, लविंग केयरिंग थी, तुमने खाना खा लिया, तुम शॉप पर पहुंच गए, तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ठीक है। तो उनकी ना ये सब सोच सोच के एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, चुस रही है उनकी एनर्जी, दिमाग ख़राब हो जा रहा है उनका। लेकिन एक तरफ उनको मास्टरी भी मिल गई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, उनकी हीलिंग हो गई है। सौरों में तो हैं वो, देखिए थंडरबोल्ट जीवन में नया आ रहा है, दिमाग आ रहा है, मास्टरी मिल गई है उन्हें किन्हीं चीज़ों में, थंडरबोल्ट हो गया है, रिश्ते से अलग हट गए हैं वो थर्ड पार्टी के। क्यों? क्योंकि देखिए हीलिंग हीलिंग हीलिंग, और उनके पास एंजल ऑफ बैलेंस भी आ गई है, और ये दोनों हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र उनके बैलेंस हो गए हैं। ये देखिए ये भी हीलिंग का है, इसीलिए वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, लेकिन फिर वही बात, वो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आ गई है उनमें, एंजल ऑफ बैलेंस भी आ गई है, सोच भी रहे हैं वो, आपकी मैनिफेस्टेशंस काम कर गई हैं, पैसा भी कमा रहे हैं वो, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं आपके लिए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि थर्ड पार्टी का धोखा उन्हें पता चल गया, वैसे तो धोखा दे ही रही थी वो दिन रात, आशिक तो उसके बहुत थे, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है, ये सब इसलिए हुआ है। हीलिंग, आपके बारे में सोचना, इनर वॉइस, सोरो, थंडर बोल्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट, रिसेप्टिविटी, एनवी, सेलिब्रेशन, कॉम्प्लेसेंसी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डोर टू स्पिरिट, ये सब क्यों हुआ? सिर्फ एक चीज़ से हुआ कि अब उन्हें पता चल गया कि ये थर्ड पार्टी उनको चीट कर रही है और उनसे पैसा लूट रही है, बस अब उन्हें इस गार्डन के गेट से बाहर निकलना है आपके लिए।
पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं आपके पास आने की, उनकी ग्रोथ होगी आपकी जीवन में। तो ये सब सोच रहे हैं वो, इसी उधेड़बुन में है, जाऊं ना जाऊं, कहीं वो मूव ऑन तो नहीं कर रही, फ्रेंड्स को भी भेज रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आना तो चाहते हैं। अब ये है कि उन्हें ये लग रहा है कि कहीं आप माफ ना करें, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गई, कहीं पैसे वाला तो नहीं मिल गया, जेलस हो रहे हैं। हीलिंग भी हो गई है, आना भी चाहते हैं, लेकिन झिझक होती है ना, झिझक, कहीं मना ना कर दें आप उन्हें एक्सेप्ट करने से, माफ़ करने से मना ना कर दें, कहीं किसी और के साथ ना दिख जाएं। तो अभी ये इस उधेड़बुन में है, ये एनर्जी है अभी उनकी बेसिकली। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें अभी आपका कोई कसूर नहीं है, वो उधेड़बुन में है अभी। ठीक है, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रही है आपको देख लेते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वही बात, अगर वो आएंगे तो फॉरगिव तो करना ही पड़ेगा, सेकंड चांस तो उन्हें देना ही पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट्स आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उनका इंतज़ार तो करते ही रहिए, आप क्या करें, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं आ रही, उन्हें लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं कर गए, आप उनका प्यार तो रिजेक्ट नहीं कर देंगे, तो वो थोड़ा से डामाडोल से हो रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके अपने सेफ हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मेडिटेट कीजिए, मैंने आपको बोला है पहले से भी, मेडिटेट तो करना ही पड़ेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, अब आपको पहला मूव करना ही पड़ेगा, पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अब इंतज़ार नहीं करना कि वो आएंगे या वो कदम उठाएंगे दूसरे। लुक एट द बिगर पिक्चर, छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दीजिए, अब बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, बड़ी पिक्चर का ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातों को अब मत सोचिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों को साकार होने का इंतज़ार कीजिए, वो होने ही वाले हैं। जब गाइडेंस में ये आया तो रोमांटिक साइकिल बिगिंस, कार्मिक साइकिल एंड्स विद थर्ड पार्टी, एंड रोमांटिक साइकिल बिगिंस विद यू एंड योर पार्टनर। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, प्यार 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 ही लाइए अपने सिचुएशन में, और कुछ भी मत लाइए, नफरत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, पिछली बातें मत सोचिएगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग की बात हो रही है, आपकी हीलिंग हो चुकी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, इनकी हीलिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, इमोशंस आर रनिंग हाई, ज़्यादा इमोशनल मत होइए, थोड़े से इमोशंस को एडजस्ट कीजिए। अवेन विन आउटकम इज फोरकास्ट, देखिए न्याय मिलेगा, देखिए इंसाफ का तराजू, न्याय मिलेगा, आप जीतेंगे हर चीज़ में। अब बहुत हार लिए, बहुत दुख देख लिए, अब तो बस जीत ही जीत है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और जीत ही जीत है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी से अब कुछ मोमेंटम बनेगा, कुछ चीज़ बनेगी, कुछ सीन बनेगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, टफ साइकिल जो मुश्किल घड़ी थी अब वो निकल चुकी है। ठीक है, क्योंकि रोमांटिक साइकिल बिगिंस ना, अब प्यार भरी बातें होंगी इस जीवन में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यहाँ पावरफुल चेंज है, यहाँ मिरेकल है। तो देखिए कार्ड्स ही बता देते हैं आपकी स्थितियाँ। ठीक है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, अभी कोई चिंता टेंशन की बात मत सोचिए, कुछ भी नहीं होगा इससे, कुछ हासिल नहीं होगा, ज़्यादा सोच, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, दिमाग ही खराब होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपने जो इतनी मेहनत करी, मुशक्कत करी, इतना सहा, अब उसका इनाम मिलने वाला है आपको। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस से, आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा अपनी ज़िंदगी में, तभी आप जीतेंगे। योर कमिटमेंट इज बीइंग ट्रीटेड, तुम्हारी जो कमिटमेंट है वो अब टेस्ट हो चुकी है, अब तुम्हारे को फल मिलने वाला है, कर्म तुमने कर लिया है, अच्छा अच्छा अब तुम्हें फल मिलने वाला है, बहुत अच्छा। एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं देखते हैं, पूर्वज क्या बोल रहे हैं, क्या है गाइडेंस। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, पीस में रहिए, शांति का दान दीजिए, शांति में रहिए, लड़ाई झगड़े की एनर्जी में मत रहिएगा, शांति से काम लीजिएगा। ठीक है,
सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी, दो दो निकला है। मेडिटेट कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे एनर्जी से, प्रोटेक्टिव एनर्जी से रक्षा हो जाएगी आपकी। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, जो आप अंदर से आप में इंट्यूशन आ रहे हैं उसको समझिए, सोचिए। ये एंसेस्टर्स के कार्ड इतने डीप मीनिंग होते हैं ना कि मैं कभी कभी समझाने में सोचती हूँ कि कैसे समझाऊँ आपको। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, जिन लोगों के बिल्कुल ही हताश हो चुके हैं वो नई राह ले लें, इसमें बताया गया है। एंसेस्टर्स पूर्वज बता रहे हैं नई राह लें। हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर, कोई आप में पावर है, अंदर ही अंदर कोई पावरफुल बातें हैं आप में, अपनी पावर को पहचानिए। प्रोटेक्टिव गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स, ये गार्डियन जो है ना वो आपको मदद कर रही हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रविड, होल्ड द स्पेस, अभी शांति बनाए रखिए, आराम से बैठिए, देखिए क्या कर रहे हैं यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स आप लोगों के हित में। एक होता है होल्ड योर विजन, एक होता है होल्ड योर स्पेस, रुक जाइए। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, जो आप सोच रहे हैं उसको बिल्कुल ही दूसरी परसेप्शन से सोचिए, ठीक है। देखिए कितनी सुंदर है एयर गार्डियन। ऑटम, रिलीज द ओल्ड अनरेस्ट, पुरानी चीजों को छोड़ दीजिए। स्टारगेजर, सेट योर साइट्स हायर, अपनी उम्मीदों को और ऊंचा उठाइए, और ऊंचा उठाइए, नीचे मत जाइए। अब अपने उम्मीदों को पंख लगाइए, मतलब कहने का मतलब है। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, ये देखिए अमावस्या पूर्णमासी को आप क्या महसूस करते हैं उनको राइट डाउन करिए, सोचिए, देखिए क्या होता है पूर्णमासी अमावस्या को आपके साथ स्पेशली। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव, ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट, और जो ट्रस्ट के लायक नहीं है उन्हें नमस्ते कर दीजिए। आपका दिल जो कहता है वो करिए, ट्रस्ट करिए। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस, जैसे इमोशंस आपके रनिंग हाई थे, अभी आप अपने कनेक्शन से, इमोशंस से कनेक्ट कीजिए। और बॉटम में निकला है एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, अब जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अब उनसे दूर हो जाइए, ठीक है। मंत्रा चैंटिंग कीजिए बेसिकली, ठीक है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए, होप आपको अच्छी लगी हो, कमेंट डाउन बिलो, और जो वीडियो बनवाने हैं वो कमेंट्स में बताइएगा। पर्सनल रीडिंग करवाइए, चार्जेस कम कर दिए हैं, बुकिंग करवाइए, और मैं अगर फ्री होंगी तो मैं आपको उसी टाइम बुकिंग कर दूँगी, उसी टाइम रीडिंग कर दूँगी। टैरो का रीडिंग का कोर्स सीखिए, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएगा, माना महंगा है लेकिन कहीं से भी पैसे ला के आप सीख लीजिए, आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और ग्रोथ मिलेगी, बैठे बैठे आप कमाएंगे, ठीक है। और पर्सनल काउंसलिंग भी मैं करती हूँ, लोगों की बातें सुनती हूँ, आप लोगों की बातें सुनती हूँ, समझती हूँ, आपका दिल दिमाग हल्का करती हूँ, आपको अच्छा महसूस होता है, मैं आपके दोस्त की तरह आपकी बातें सुनूंगी, ठीक है। गुरु माँ की तरह, माँ की तरह दोस्त की तरह, फिलोसफर गाइड की तरह। और पर्सनल हीलिंग करवाइए अपने और अपने पर्सन की, सातों चक्र एक्टिवेट कराइए जिससे कि वो कभी जाए ही ना आपको छोड़ के, प्यारी प्यार हो आपकी ज़िंदगी में, धोखा हो ही ना आप। और क्रिस्टल ब्रेसलेट्स में एक्टिवेट और चार्ज करके देती हूँ, लव के लिए रोज क्वार्ट्ज़, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एमराल्ड। कोई धोखा ना दे, झूठ ना बोले, उसका ज्ञान आ जाता है, पता चल जाता है कि कोई धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। टाइगर आई ब्रेसलेट, काली नज़र से बचने के लिए ब्लैक टर्मोलिन ब्रेसलेट। काली नज़र अगर लग जाती है तो बीमारियां और सुख शांति छिन जाती है, बीमारियां लग जाती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, करियर में भी गिरावट आती है, तो ब्लैक टर्मोलिन और लव का तो ज़रूर पहनिए आप लोग, ठीक है। ब्रेसलेट चार्ज करा के, एक्टिवेट करा के, और ये सब चीज़ें पेड है, कुछ भी फ्री नहीं है। जो लोग आए हैं ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन को दबा दीजिए, ऐसे ही देख कर मत जाइए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। किसी भी किसी की हेल्प करना गुड कर्माज में सस्टेन होता है, थैंक यू। और मेरा बर्थडे आ रहा है बच्चों 16 दिसंबर को, मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए,
यही सेटअप है। दूसरा चैनल है मेरा एंजल सोल टैरो, ANGELSOULTAROT, एंजल सोल टैरो, उसको जाके लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन दबा दीजिए। अगर आप मुझे गुरु माँ माँ दोस्त फिलोसफर गाइड कुछ भी मानते हैं एक्स वाई जेड, जो मेरे 6,300 हो गए हैं मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन दबा दीजिए मेरे सेकंड चैनल एंजल सोल टैरो को। कैंडल वैक्स रीडिंग के वीडियोज़ हैं वहाँ, 4-5 ही हैं अभी। आप मुझे मोटिवेट करेंगे, मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिविटी मत फैलाइए, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहिए, नेगेटिव सोच मत रखिए। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा। अब आप ही खुद सोच लीजिए क्या होगा। पॉजिटिव सोच रहे हैं, अफर्मेशंस भेज रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं, पॉजिटिव मैसेजेस भेज रहे हैं, तभी ये सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके लिए, सोच रहे हैं वो। और कुछ लोग तो हीलिंग भी करा रहे हैं, तो और जल्दी आ रहे हैं उनके पर्सन, और पर्सनल रीडिंग तो ज़रूर करवाया कीजिए। ठीक है, और आई लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखो बच्चों।